कपड़े सफाई व चमक का डबल धमाका। गोगा लाए हैं डबल एक्सल। वॉशिंग मशीन एवं कपड़े दोनों को रखे सुरक्षित। गोगा डबल एक्सल। गोगा देता है महंगे कपड़ों को सुरक्षा और आपके हाथों को भी बनाता है कोमल। कपड़ों में लाए चमक, गोगा वॉशिंग पाउडर। यूपी के महोबा जिले में पहाड़ में विस्फोट करते समय बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि मलबे में कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका है। हादसे की सूचना के बाद पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई है। यह हादसा करीब कबरई थाना क्षेत्र के पहरा गाँव के पास हुई है। जानकारी के अनुसार पहाड़ में विस्फोट करके खनन का कार्य हो रहा था, तभी अचानक उस जगह विस्फोट हो गया जहां मजदूर खड़े हुए थे। हादसे के समय लगभग 1 दर्जन लोग काम कर रहे थे, जिसमें 3 मजदूरों की मौत हो गई और कुछ मजदूर मलबे में दब गए। विस्फोट की आवाज सुनकर पास में स्थित पहरा गाँव के लोग मौके पर पहुंच गए और दबे हुए मजदूरों को निकालना शुरू कर दिया। मलबे से 3 लोगों को निकालकर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया और बाद में अस्पताल में लाए गए घायलों का उपचार किया जा रहा है। हादसे की जानकारी होने पर मौके में पहुंचे मजदूरों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। अधिकारियों द्वारा परिजनों को समझाया जा रहा है। वहीं महोबा जिलाधिकारी ने बताया सरकारी पट्टे का काम किया जा रहा था, तभी अचानक हादसा हो गया, जिसमें काम कर रहे 3 मजदूरों की मलबे में दबकर मौत हो गई है, जबकि एक की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। मलबे में दबे अन्य लोगों को निकाल कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनकी हालत खतरे से बाहर है। वहीं मौके पर SP अपर्णा गुप्ता सहित 4 थानों की फोर्स मौजूद है। मृतकों के परिजनों को समझाया गया है व हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है। जो है जरूर देखिए, अभी हमारे को 1:30 बजे के करीब इसकी इन्फॉर्मेशन मिली और तत्काल में और SP साहब मौके पे आए और हमने देखा ये एक धनराज जी हैं, उनका पट्टा चल रहा है, 2019 से चल रहा है, 10 साल का पट्टा था, वेट पट्टा है। इसमें 5 मजदूर काम कर रहे थे और जैसे लैंडस्लाइड टाइप हुआ, इसमें हमने पूछा तो कॉन्ट्रैक्टर ने बताया कि कोई एक्सप्लोजन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लैंडस्लाइड हुआ उसमें ये लोग नीचे दबे, उसमें से 2 लोगों को हमने निकाल लिया था रेस्क्यू टीम ने और उनको हॉस्पिटल भेजा गया। उनमें से 1 की डेथ हो गई है, अभी 1 जिंदा है और 2 की यहाँ पर डेथ की हमें सूचना मिली है। अभी हमने जाके भी देखा तो 2 डेथ है और 1 अभी रेस्क्यू हमारा चल रहा है, उसमें देख रहे हैं कि कोई वहाँ नहीं। अभी हम और देख रहे हैं, चेक करा रहे हैं। ट्रेन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए हमने अपनी ACVs लगाई हुई है, चेक कर रहे हैं कि अगर ऐसा ना हो कि और भी कोई सब क्या पाया कि नियमों के विपरीत काम चल रहा था। नहीं, नियमों के विपरीत नहीं था उसमें, अभी तो डिटेल जांच में पता कर रहे हैं। प्राइम ऑफ एसी तो ऐसा कोई लग नहीं रहा कि कुछ इलीगैलिटी थी इसमें, वैध पट्टा है, हमने चेक भी करा लिया और वो धनराज जी हैं पट्टेधारक, उनका पट्टा आईडी कार्ड। देखिए उसमें हम नियम के अनुसार हमने यहाँ पर हमारे DG बैठते हैं वहाँ पर, उनको इन्फॉर्म कर दिया गाजियाबाद में माइंस, वो आके इसकी जांच करेंगे और हम अपने स्तर से जो भी हमारी कार्रवाई कर रहे हैं उसमें काम कर रहे थे। ऊपर से एकदम से छांट गिरी, सो भाग, एक आधे इंसान भाग पाए और भाग नहीं पाए। कितने लोग अंदर थे? वही 12-13 लड़कर। तुम भी थे वहाँ पर? फिर सो हमने दो एक लड़का का हाथ पकड़ा, सो गिर पड़े थे ऊपर से नहीं, सो हम पीछे के नहीं देख लौट के, यहाँ है तो 2-3 लोग दबी चुके। एक 3 लोग दबे थे हमारे साथ। घायल कितने? घायल 2 हैं, ऑपरेटर रामिन खत्म है। वो है अभी मलबे में जो निकालने का काम, 3 ट्रैक्टर हैं, एक लंटी है। कितने लोग, कौन कौन खत्म?